16 GB रैम और 512 GB SSD मिल जाएगी। कहीं पे भी जाके वेरीफाई करा लीजिए, इसी बात की हम टेस्टिंग वारंटी दे रहे हैं आपको। ये जैसे मैम M2 आ गया हमारा जी, ये वारंटी के साथ है, एप्पल केयर वारंटी के साथ। मैकबुक प्रो आ गया, आइडियल फॉर स्टूडेंट, 2017 का मॉडल। प्रोसेसर आपका i5 भी रहने वाला है और सबसे लेटेस्ट OS में भी आपको मिलने वाला है। टच बार के साथ आ जाएगा आपका ये भी, 32 GB 2 TB SSD के साथ, एप्पल केयर वारंटी के साथ। तो मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको आप ले सकते हैं, बेफिक्र होके। M1 Air है ये, कस्टमर की थोड़ी डिमांड रहती है, रोज गोल्ड कलर चाहिए। 15 इंच की डिस्प्ले हो गई और 512 GB SSD 8 TB में ही आएगा। गाइस यहां देख सकते हैं डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, ये 1 TB SSD i5 में आपको मिल जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या फिर एक नॉर्मल अपने एक बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, एक बेसिक चीज़ की नीड रहती है। किस चीज़ की? लैपटॉप्स की। और लैपटॉप्स में सबसे बड़ा नाम आता है एप्पल का, और हमेशा देखा जाता है कि वो इतने कॉस्टली होते हैं कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। बट आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अफोर्डेबल रेंज में, और ये देख सकते हैं इम्पोर्टेड में आपको मिलने वाले हैं। रिटेल होलसेल दोनों के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी यहाँ से, रेट्रॉन। आज की वीडियो भी रेट्रॉन से ही होने वाली है। लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पर आई हुई, मशीनरीज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टॉक यहाँ पे हमने आपके लिए लगाया हुआ है। तो किन किन रेट्स पे क्या क्या मशीनरी यहाँ पे प्रोवाइड होने वाली है, ये हम वीडियो के दौरान एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। निर्माण बिहार का गेट नंबर 1, ठीक है, और इसके बराबर में ही आपका गेट नंबर 5 भी पड़ता है। तो आपको गेट नंबर 5 से ना उतर के गेट नंबर 1 से उतरना है, ठीक है। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे गेट नंबर 1 से निर्माण विहार मेट्रो से, तो आपको सामने ये V3S मॉल दिख जाएगा। ईस्ट सेंटर लिखा हुआ दिख जाएगा V3S मॉल में। ये V3S मॉल का इंटर गेट है, और इसके जस्ट सामने ही आपको ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा। और ये स्टेयर्स देखिए आ रहे हैं, एक नंबर गेट के ही एंटर करके आप लोगों को मेन गेट से राइट टर्न होना है। राइट होके ये सीधा सामने रास्ता जा रहा है। जैसे ही स्टेयर के पास या एक्सीलेटर के पास आ जाएंगे तो आपको अमेरिकन टूरिस्ट दिख जाएगा। यहीं एक्सीलेटर पे ऊपर पहुंच के हमको राइट हो जाना है, सामने अमेरिकन टूरिस्ट दिख जाएगा। किड्स वेरी बगल में है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राजीव टाइम्स भी लिखा हुआ है। ये राजीव टाइम्स जहाँ लिखा हुआ है उसी वाली रो में आपको यहीं से ही रेट्रोन दिख जाएगा। ये आ गया हमारा रेट्रोन। हेलो सर जी, कैसे आप? जी मैम बढ़िया। सो आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है? मैम आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे अपना मैकबुक एयर से। ओके तो वो जो स्टूडेंट्स के लिए और जिनका बजट भी कम है तो उन लोगों के लिए एक चीज़ लेके आए हैं, ठीक है। मैकबुक एयर में जो अपना वही 17-18 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, 17-18 हज़ार से मैकबुक एयर। ओके, और मार्केट से अगर कंपेयर करें रेट्स तो कैसे रहने वाले हैं? मार्केट से मैम देखिए, एक तो हम कंडीशन बिल्कुल क्लीन रखते हैं, एक कैटेगरी का माल रखते हैं, ठीक है। तो मार्केट से वैसे कंपेयर करेंगे तो भाई रेट आपको वही मिल जाएगा बराबरी, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटी में बात करें तो क्वालिटी अपने पास बेस्ट मिलने वाली है। तो मुझे एक क्वेश्चन और था, रिटेल होलसेल दोनों के लिए रहने वाला है वीडियो? जी मैम, रिटेल होलसेल दोनों के लिए रहने वाला है। होलसेल के लिए मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है? मैम कम से कम 5 से 10 पीस होलसेल के लिए। जी जी मैम, उसके बाद तो उसी हिसाब से फिर हम प्राइस का रहता है। और अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे घर बैठे? हाँ मैम, अब तो पहले तो ये फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास ऑनलाइन वाली, तो अब इधर एक दो महीने से हमने जब 40-50 डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई हमारी जी, DTDC एक कोरियर कंपनी है तो उसी से हम कराते हैं। ओके, तो इधर सक्सेसफुल हो गई तो हमने अब ये लागू कर दिया है ऑनलाइन। हाँ, एक सिंगल पीस भी मंगा सकते हैं? बिल्कुल, सिंगल पीस भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल, लेकिन वो जो है प्रीपेड होगा आपका, पहले पेमेंट करना होगा। जी जी, और उसके बाद आपको जो भी डिलीवरी चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और लेकिन कस्टमर ये भी एक चीज ध्यान रखे, जो भी हमारे वीडियो में नंबर चल रहे हैं उन्हीं पे कांटेक्ट करें जी। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि फ्रॉड बहुत आजकल हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा हमारे कंपनी का नाम ध्यान रखें। रेट्रोन है और दो नंबर हमारे चल रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पे जी, उन्हीं दोनों नंबर पे कांटेक्ट करें जी। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं सर? फर्स्ट हम आपका मैकबुक एयर से स्टार्ट करेंगे, 13 इंच डिस्प्ले में i5 प्रोसेसर। i5 प्रोसेसर के साथ है, 13 इंच डिस्प्ले रहने वाला है, 13 इंच डिस्प्ले रहने वाला है, i5 प्रोसेसर होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिटी आ रही है अच्छी आ रही है, कंडीशन भी जो है आपको कंडीशन में एकदम क्लीन होने वाली है आपका। ओके, 4 GB रैम 128 GB SSD के साथ, बढ़िया, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स। जी जी, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स बिल्कुल। और इसकी प्राइसिंग की बात करें, बाकी कंडीशन आप देख ले जी, कंडीशन काफी अच्छी, स्लीक डिजाइन है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैम यही अपना वो 18,000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैकबुक प्रो आ गया 13 इंच डिस्प्ले में i5 प्रोसेसर के साथ। ओके, इसमें 8 GB रैम और 256 GB SSD मिल जाएगी आपको।
सो ये भी स्टूडेंट्स के लिए है? जी जी, ये भी स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट और कोडिंग वगैरह जिनको करनी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी है। जी जी, ओके, एडिटिंग में भी चल जाएगा? एडिटिंग भी हो जाएगा इसमें। ओके, माइनर एडिटिंग सारी हो जाएगी आपकी। 256 GB एसएसडी आ गई। और साइकिल काउंट की बात करें तो मैम, इसका 160, 170, 200, 250 तक साइकिल काउंट हमारे पास मिल जाते हैं। बाकी कस्टमर आए हैं यहाँ पे, देखे सबसे क्लीन जो उनको पीस लगे वो हमारे यहाँ से प्रोवाइड हम करा देंगे जी, उसमें कोई नहीं। एंड तो रेंज क्या रहेगा इसका? हाँ, रेंज ये मैम अपना 21 से स्टार्ट हो जाएगा। 21,000 जी जी, बिल्कुल 21,000 से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं रहते? मैम हिडन चार्जेस कोई नहीं रहते, हम अपना बिल देते हैं आपको बना के, और बस यही आपको पेमेंट करनी होती है जो हम बता रहे हैं प्राइस इसके। ओके, एंड सर कुछ गारंटी वारंटी अगर ऐसा कुछ? गारंटी मैम टेस्टिंग वारंटी होती है हमारी, वही 5 डेज की। ओके, ऑल ओरिजिनलिटी की, पार्ट्स हमारे ओरिजिनल मिलेंगे, ये आप कहीं भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ रिफर्बिश्ड करा हो या कुछ ऐसा है? रिफर्बिश्ड वाला कोई काम नहीं हमारा, आपको पार्ट्स ओरिजिनल मिलेंगे सारे। जी जी बिल्कुल, ऑल ओरिजिनल पार्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप कहीं पे भी जाके वेरीफाई करा लीजिए, इसी बात की हम टेस्टिंग वारंटी दे रहे हैं आपको। बढ़िया, बिल्कुल। और उसी में ये वेरिएंट आता है 8 GB रैम 512 GB SSD के साथ, 13 इंच में रेटिना डिस्प्ले के साथ है ये भी। ओके, रेटिना डिस्प्ले मिल रहा है गाइस, इसमें 512 GB SSD मिल जाएगी आपको। वाओ, 512 GB SSD के साथ आ रहा है। जिनको SSD का यूज अगर किसी को वीडियोस एडिटिंग करनी है तो उसमें भी एक लंबा प्रोसेस रहता है। हाँ, लंबा प्रोसेस रहता है, तो इसमें थोड़ा अच्छा आपका हैंडल अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस आपको सारा आ रहा है इसमें, और बाकी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं जी। कंडीशन भी आप देख लें, नेक्स्ट न्यू कंडीशन आपको मिल रही है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैम ये 23 से आ जाता है। 13 इंच डिस्प्ले है, i7 प्रोसेसर और 16 GB रैम के साथ। 16 GB ये देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको दिख रहा होगा लाइव, हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंसी है आपके सामने ही, सब चीजें ओपन करके दिखाई जा रही है। प्रोसेसर आपको i7 उसमें मिल जाएगा, जिनको नीड होती है कि हमको i5 नहीं i7 चाहिए, और उसके बाद 13 इंच में चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, और 13-13 इंच डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले छोटी चाहिए। ज्यादातर ये होता है कि मतलब 15 इंच डिस्प्ले में ही आता है i7, तो हमारे पास अब अवेलेबल है 16 GB रैम और 256 GB SSD के साथ। बढ़िया, रेंज क्या रहेगा? जी, रेंज की बात करें तो मैम ये अपना 26,000, बिल्कुल i7 के साथ, जिनको 26,000 के अराउंड आने वाला। ठीक है, अब इसमें ही मैम ना 15 इंच डिस्प्ले में आ जाते हैं। ये 15 इंच डिस्प्ले में दिखाने जा रहे हैं i7 प्रोसेसर में 15 इंच डिस्प्ले के साथ। ओके, इसमें 16 GB रैम और 512 GB SSD मिल जाएगी आपको। 16 GB रैम एंड 512 GB SSD, ओके जी। i7 प्रोसेसर मिल जाएगा इसमें। बढ़िया, आपको 15 इंच डिस्प्ले मिल जाएगी, इसमें एडिटिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं। डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं क्लीन है। कंडीशन भी आपको काफी अच्छी मिल रही है, एंड गारंटी वारंटी सर ने कहा कि आप चेक करा सकते हैं। चेकिंग की वारंटी है हमारी, टेस्टिंग वारंटी जो भी होती है। एंड ये किस रेंज में आ जाएगा? इसकी मैम रेंज की बात करें तो बाकी ये अपना 26,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, 26,000 की रेंज में, 8,512। इसमें ये एक वेरिएंट पीछे का आता है, जैसे 16,256 का, तो वो अपना 24,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे वेरिएंट रहेगा उस हिसाब से रेंज रहेगी, उस हिसाब से रेट रहेगा। ठीक है, अब हम 13 इंच में थोड़ा लेटेस्ट में आ जाते हैं। ओके, जैसे 2017 का मॉडल, 2017 का मॉडल आ गया, ये 13 इंच डिस्प्ले में रेटिना डिस्प्ले है। ये i5 प्रोसेसर है, इसमें 16 GB रैम मिल जाएगी आपको, 256 GB SSD मिल जाएगी। कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आ रही है। और सर रेंज क्या रह जाएगा इसका? ठीक है मैम, रेंज की इसकी बात करें तो ये 35,000 से स्टार्ट, 35,000 रुपए की रेंज में। टच बार जिनको चाहिए, मतलब टच बार का यूज होता है, थोड़ा और लेटेस्ट हो गया, ये 2019 का मॉडल आ जाता है। सो इस तरीके के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, टच बार के साथ टच बार भी मिल जाएगा, मॉडल भी अपडेट हो जाएगा, ये इसमें लेटेस्ट OS भी आपका मिल जाएगा, प्रोसेसर आपका i5 ही रहने वाला है। ओके जी, एंड इसका क्या रेंज रहेगा सर टच बार के साथ जो और है? बात दिखा देते हैं आपको, प्रोसेसर वगैरह सारी ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन 8 GB रैम स्क्रीन पे आ गया है, 8 GB रैम और 128 GB SSD मिल जाएगी इसमें आपको। बढ़िया जी, और ये पूरा टच बार में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो ये भी देख सकते हैं क्वालिटी वगैरह, 128 GB SSD और टच बार के साथ, और बाकी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं एकदम क्लीन होने वाली है, बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लीन कंडीशन में। इसकी रेंज की बात करें तो मैम ये 36,000 से स्टार्ट होता है। इसमें एक वेरिएंट हमारे पास आता है 16 GB रैम के साथ, जिनको रैम की ज्यादा नीड है, उसमें 16 GB रैम और 256 SSD आ जाती है, तो वो अपना प्राइस जो है 38 से और सबसे लेटेस्ट OS में भी आपको मिलने वाला है।
ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। पूरा आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी पूरी मिल रही है आपको। 1 TB SSD आ गई है, बढ़िया। ठीक है, इसमें आपको 5.5 GB ग्राफिक कार्ड ही मिल जाएगा। सो बेस्ट है एडिटिंग के लिए, आइडियल है। बिल्कुल बिल्कुल, एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट मशीन है ये, आइडियल, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एडिटिंग का जोर है। बाकी कंडीशन आप देख ही सकते हैं, ये पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें चारों तरफ से चेक कर सकते हैं, आपको कंडीशन ऐसी क्लीन एकदम मिलने वाली है। वाओ, हाँ। एंड रेंज क्या जाने वाली है इसकी? मैम, इसकी रेंज की बात करें तो ये अपना 45,000 से 45,000 रुपए से, बढ़िया। इसमें भी आपको और वेरिएंट्स अवेलेबल रहेंगे, और इसमें ही मैम फिर 32 GB रैम आ जाती है और 1 TB SSD के साथ आ जाता है। दूसरा वेरिएंट इसका 15 डिस्प्ले होने वाली है इसकी भी। वाओ, अगेन ये भी टच बार के साथ आ रहा है? जी जी मैम, बिल्कुल टच बार के साथ आ जाएगा आपका। ये भी 15 इंच डिस्प्ले के साथ i7 प्रोसेसर मिल जाएगा इसमें आपको। अगेन रेटिना डिस्प्ले है पूरा, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन लाइव आपको हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। 1 TB SSD मिल जाएगी इसमें आपको, और इसमें भी आपको 5.5 GB ग्राफिक्स मिल जाएगा, बढ़िया। ठीक है, और रेटिना डिस्प्ले के साथ, बाकी कंडीशन आप देख ही सकते हैं, क्लीन होने वाली है। एंड रेंज क्या जाएगी सर इसकी? इसकी रेंज की बात करें तो ये अपना 48,000 तक। इसमें ही मैम फिर इसके बाद एक वेरियंट आ जाता है 32 GB 2 TB के साथ। ओके, 32 GB रैम और 2 TB SSD, जिनको SSD की ज़्यादा ज़रूरत है जी, इनका स्पेस वगैरह कवर ज़्यादा करना है, तो उनके लिए फिर ये आ जाता है अपना 32 GB 2 TB SSD के साथ। 2 TB SSD एंड इसमें भी टच बार वगैरह सब आ रहे हैं। जी, टच बार वगैरह सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। देखेंगे आगे का, तो वो भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। एकदम ये देख सकते हैं क्वालिटी, अगेन ये भी काफ़ी बढ़िया मिल रही है। इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट न्यू कंडीशन पूरी आ रही है। तो सर काफ़ी सारे लैपटॉप्स में ऐसा होते हैं कि बॉक्सेस वगैरह अवेलेबल रहते हैं? जी जी मैम, जो बॉक्स के साथ होगा वो सारी चीज़ें आप आगे इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। जी जी, ये देखिए 2 TB इसमें SSD आपको मिल जाएगी, बढ़िया जी। एंड क्या रेंज आएगा मैम इसकी? भी रेंज की बात करें तो ये अपना 52,000 की रेंज में, बढ़िया। बिल्कुल, ये 16 इंच डिस्प्ले में आ जाएगा आपका, 16 इंच डिस्प्ले, 16 इंच डिस्प्ले में, और प्लस एप्पल केयर वारंटी के साथ भी आई है। ओके, एप्पल केयर की वारंटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। जी जी, टच बार आ रहा है, डिस्प्ले देख लीजिए गाइस, क्लैरिटी देख लीजिए। ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, 16 इंच डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, i7 प्रोसेसर मिल जाएगा, और ये यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस आप देख सकते हैं ये, और 512 GB SSD और प्लस 5.5 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। सो आराम से आपकी जितनी भी एडिटिंग है, अक्टूबर तक वारंटी भी आपको मिलने वाली है। वारंटी भी मिलने वाली है अक्टूबर तक, बहुत बढ़िया। वारंटी भी एप्पल केयर वारंटी के साथ, तो मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको आप ले सकते हैं, बेफिक्र होकर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या रेंज आएगा मैम? इसकी रेंज की बात करें तो ये अपना 55,000 की रेंज और वारंटी के साथ आ रहा है, बढ़िया। इसमें 4 पोर्ट आपको सी टाइप के मिल जाएंगे, सारी चीजें आप देख सकते हैं। i9 प्रोसेसर में आ जाएगा ये 16 GB 1 TB के साथ, 16 GB। जिनको प्रोसेसर ऊपर चाहिए, जैसे i7 में जिनका काम नहीं हो पा रहा है, i9 चाहिए, तो उनके लिए 16 इंच डिस्प्ले के साथ i9 प्रोसेसर है, 16 GB और लेटेस्ट आप टेक्नोलॉजी अगर आप चाहते हैं, ये 19 का मॉडल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेस्ट रहेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन सारी देख सकते हैं, SSD देख सकते हैं, 5.5 GB का ग्राफिक कार्ड इसमें भी आपको मिल जाएगा। इसकी भी कंडीशन आपको बढ़िया ही आ रही है, आपको क्लीन मिल रहा है, टच बार के साथ आ रहा है सारा, ये देखें, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज की बात करें तो मैम ये 60,000 से 60,000 रुपये की रेंज, 60,000 रुपये। और इसके साथ मैम एक ये वेरिएंट आता है 64 GB रैम के साथ, और प्लस 9.5 GB ग्राफिक कार्ड आ जाएगा, सॉरी। ओके, वाओ जी, इनको ग्राफिक कार्ड मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग इनको करनी है जी, उनके लिए ये वेरिएंट आ जाता है। हाई डेफिनेशन में अगर आप करना चाहते हैं, HD में करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं 4K एडिटिंग इसमें, 4K एडिटिंग, वाओ। अगेन आप इसका डिस्प्ले देख लीजिए, 64 GB रैम आ जाएगी इसमें, i9 प्रोसेसर होने वाला है और 1 TB SSD के साथ, और प्लस 9.5 GB ग्राफिक कार्ड भी हम इसका आपको दिखा दे रहे हैं। वाओ, सो ये तो गाइस बोनस हो गया है। ये देखिए ग्राफिक कार्ड आपको इंटेल ग्राफिक इसका 1.5 GB का, और बाकी एडिशनल ग्राफिक जो है 8 GB का ग्राफिक मिल जाएगा आपको। एंड क्या रेंज आएगा? बिल्कुल मैम, रेंज की इसकी बात करें तो ये अपना मैम 72,000 से 72,000, और मार्केट में अगर लेने जाएं तो इसमें आराम से 80,000 से 85,000 रुपए इंसान को खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल मैम, और उसके बाद ये कंडीशन आपको नहीं मिलेगी जो क्लीन कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैम थोड़ा लेटेस्ट में ये आ जाते हैं, M1 प्रोसेसर जो चल रहा है हमारा, M1 प्रोसेसर में आ जाते हैं ये लेटेस्ट में, अगर आप चाहें जी थोड़ा लेटेस्ट में आ जाते हैं। M1 एयर है ये, MacBook एयर, हाँ बिल्कुल लाइट, M1 जो कहते हैं जो कस्टमर हमारे के, हमको M1 ही चाहिए, M1 की नीड है, तो आइडियल किसके लिए रहता है ये? जी मैम, ये स्टूडेंट वगैरह के लिए भी काफ़ी काम आता है इसकी। एक्चुअली मैं
परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, सो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अच्छा रहता है। हाँ, ये एक्सेल वगैरह जो मतलब नॉर्मल टेस्ट इनको करने हैं और इनको बैटरी बैकअप हैवी चाहिए, स्टूडेंट को जैसे 10 घंटे 12 घंटे का बैटरी बैकअप चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा ये सही रहता है बैटरी बैकअप जिनकी ज़्यादा नीड है। ओके, ये देख सकते हैं 8 GB रैम और 256 SSD के साथ ये आपको मिलने वाला है। बढ़िया, ठीक है, इसमें भी बैटरी हेल्थ आपको अच्छी से अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। एंड रेंज क्या जाएगी? ठीक है मैम, इसकी रेंज की बात करें तो मैम ये 48,000 से स्टार्ट हुआ। वाओ, लेटेस्ट में भी गाइस आपको 48,000 और रेंज आपको मिनिमम मिल रही है। इसी में मैम एक ये वेरिएंट आता है रोज गोल्ड कलर में। वाओ, कलर देखिए गाइस। हां, रोज गोल्ड कलर कस्टमर की थोड़ी डिमांड रहती है, रोज गोल्ड कलर चाहिए हमको। अगेन क्लैरिटी देख सकते हैं स्क्रीन पे, देख सकते हैं बिल्कुल। ये हमन आ जाएगा 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। बढ़िया, ये देखिए SSD आप देख सकते हैं। ठीक है, ये M1 प्रोसेसर होने वाला है, इसमें SSD आपकी प्लस हो गई। ओके, ठीक है, बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसकी भी आपको बढ़िया कंडीशन मिल रही है। अगर आप इसको यूज भी करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये सेकंड हैंड, बिल्कुल सेकंड हैंड, तो कोई कह नहीं सकता। न्यू कंडीशन रहने वाली है। इसका रेंज क्या रहेगा रोज? इसकी रेंज की बात करें तो आपका ये 53,000 तक। 53,000, बढ़िया। कलर भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें। और उसके बाद हम M2 वेरिएंट में आ जाते हैं जो कि बॉक्स, बाकी M1 की बात करें तो आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाएंगे। और इसके बाद हमने जैसे 8256 के साथ दिखाया, 512 के साथ दिखाया, उसमें एक वेरिएंट आता है 16 GB रैम के साथ जी, 16 GB 256 GB SSD के साथ, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मैम M2 आ गया अब हमारा जी, मिडनाइट कलर में, ये वारंटी के साथ है, एप्पल केयर वारंटी के साथ, 14-inch डिस्प्ले में। ये देखें, ये एप्पल केयर से आपको यहाँ पे वारंटी मिल रही है। इसके कलर आप देख लीजिए क्या शानदार कलर आई है, एंड अगेन क्वालिटी देख लीजिए डिस्प्ले की, कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्वालिटी देख सकते हैं आप, 14-inch डिस्प्ले है इसमें, और ये 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ आपका आ जाएगा। एंड क्या रेंज आएगा इसकी मैम? प्राइस की बात करें तो आपका ये 68,000 से विद बॉक्स मैम, और प्लस एप्पल केयर वारंटी। बढ़िया, बहुत अच्छी डील मिल रही है गाइस, 68,000 रुपीस की रेंज में विद बॉक्स के साथ आ रहा है, एप्पल केयर वारंटी भी दी जा रही है। इसी में एक वेरिएंट आता है मैम ये 15-inch डिस्प्ले के साथ, जिनको डिस्प्ले बड़ी चाहिए, M2 में ये भी आ गया है अपने पास, ये भी अवेलेबल है, ये देख सकते हैं गाइस। इसकी कंडीशन भी आपको बहुत बढ़िया मिल रही है, कलर अपना सेम ही होने वाला है, मिडनाइट कलर, ठीक है। इसमें आपको वेरिएंट आपका ये ऊपर थोड़ा हो गया जी, 8 GB रैम आ गई इसमें और प्लस 15-inch की डिस्प्ले हो गई और 512 GB SSD और प्लस एप्पल केयर की वारंटी मिलने वाली है इसमें। शानदार, एंड क्या रेंज आएगा इसका मैम? इसकी रेंज की बात करें तो ये आपका 90,000 तक, 9000 विद बॉक्स एंड एप्पल केयर वारंटी, बिल्कुल बिल्कुल मैम जी, विद बॉक्स बहुत बढ़िया, एप्पल केयर वारंटी के साथ। ठीक है मैम, अब आगे की जानकारी मैडम हमारी नंबर जी को देंगी आपको। ओके, सो मैम क्या देख रहे हैं हम? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ i9 में 2141 मॉडल दिखाने वाली हूँ, 16 inch में है ये, 16-inch डिस्प्ले के साथ आ रहा है, और आई थिंक मुझे टच बार भी इसमें नजर आ रहा है। हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल, ये 32 GB रैम में है, 8 TB SSD के साथ है ये। बढ़िया, सो आप डिस्प्ले वगैरह भी देख सकते हैं, कंडीशन भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया कंडीशन आ रही है मैम। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 32 GB रैम में होगा ये, 8 TB SSD है, i9 में है ये। वाओ, 8 TB SSD, हाँ जी मैम, ये तो काफी रेयर चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? नहीं 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 मैम, 8 TB में ही है ये, 8 TB में ही आएगा गाइस, यहाँ देख सकते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। सो मैम ये एक सिंगल पीस मिलने वाला है या और पीसेस भी अवेलेबल है? जैसे और पीस भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में ये एक ही बचा है क्योंकि अभी ये लास्ट टाइम सोल्ड हो चुके हैं। ओके, एंड रेंज क्या जाने वाला है इसका? 95K जाने वाला है, 95 के अराउंड जाने वाला है, और मार्केट से कंपेयर करें तो आराम से 290 की है, 290 की चीज 95K में मिल रही है, बाकी डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो गाइस कॉन्टेक्ट करें जल्द से जल्द, और ये लिमिटेड है और खत्म हो जाएगा तो हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्या इसी तरीके से मैं आपको iMac दिखाने वाली हूँ, 21-inch में है ये, 8 GB के साथ है, 1 TB SSD है इसमें। बढ़िया, हाँ ये पड़ जाएगा आपको 26K में। वाओ, 26,000 रुपए की रेंज में गाइस, 8 GB है, 1 TB SSD i5 में आपको मिल जाएगा ये। बढ़िया, 26,000 में लोकल कंप्यूटर लेना छोड़ दो, यहाँ पे आपके लिए iMac लेकर आ गए हैं रेट्रॉन से। बढ़िया सर, मैम इसमें भी कुछ गारंटी वारंटी मिलने वाली? हाँ, है 5 days की टेस्टिंग वारंटी होती है, ऑल ओरिजिनलिटी की होती है, ओरिजिनल चीज मिलने हैं। सो इसके अलावा iMac में और मॉडल? हाँ जी, बहुत सारे मॉडल हैं, तो आप कांटेक्ट करेंगे तो मैम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे कि क्या क्या मॉडल्स क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। थैंक यू मैम। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कितनी सारी वैरायटी यहाँ पे एप्पल में आपको मिलने वाली है, लैपटॉप से बड़े बड़े ऑप्शंस हमने आपको दिखा दिए हैं, जो रह गए हैं वो आप विजिट करके देख सकते हैं।
प्रॉपर एड्रेस की जानकारी सर ने वीडियो में दी हुई है, तो आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं, और अगर आप सिंगल पीस भी घर बैठे मंगाना चाहें ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मदया अखिल साइनिंग ऑफ टुडे।